सब्सक्राइब कीजिए अनम कंप्यूटर एकेडमी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अनम और आप देख रहे हैं अनम कंप्यूटर एकेडमी। जैसा कि हमारा आज जो है टेंसेस चल रहे हैं और टेंसेस के अंदर आज हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू कंप्लीट करवा देंगे। और आपको तो पता ही है कि प्रेजेंट और पास्ट जो है दूसरे रिलेटेड है, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज करने होते हैं, हर चीज वही है। तो अब बात कर रहे हैं कंटिन्यू की और परफेक्ट की। तो यहाँ पर जो है परफेक्ट के लिए हम हेल्पिंग वर्ब वो यूज करेंगे और बस हमें लगाना हैज़ बीन और हैव बीन। ये किस तरह से इस्तेमाल होगा मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ। For example, I have been. तो यहाँ पर जो है आई हैव बीन, हैव मैंने आपको बता दिया है कि ये क्यों हैव बीन लग रहा है, क्योंकि हम जो है एक तो परफेक्ट की बात कर रहे हैं और अब प्रेजेंट की बात है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे आई हैव बीन। तकरीबन तकरीबन सेम ही होगा, जैसे कि हम यहाँ पर लगाएंगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब देखेंगे यहाँ पर आई हैव बीन, आई हैड और ये सारी चीजें हमने पास्ट में पढ़ी थी। अब हम प्रेजेंट की बात करें तो हैव और हैज मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ा चुकी हूँ कि हैव कहाँ लगता है हमारा, हैज कहाँ लगता है, कंटिन्यू में लगता है। बीन जो है हमारा इस वजह से लगता है क्योंकि हम कंटिन्यू भी है और परफेक्ट भी हो गया है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रही हूँ या मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर पढ़ रही भी हो रहा है, हूँ भी हो, ये और यहाँ पर जो है आई हैव बीन का मतलब ही यहाँ पर यही सेंस निकल रहा है कि मैं काम कर भी रही हूँ और कर चुकी भी हूँ। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से कवर किया है कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस, यहाँ सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर हैव बीन लग गया है हेल्पिंग वर्ब प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से आप जो है यहाँ पर इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव वही सेम तरीका है कि यहाँ पर आपने आई हैव नॉट बीन, तो जैसा कि मैंने आपको पास्ट में पढ़ाया था कि हैव के बाद आपने नॉट लगाना है, उसके बाद आपने जो है बीन लगाना है। तो अगर आप हैव बीन नॉट कर देंगे तो ये आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। आपने जो है इस तरह से ही लिखना है बिल्कुल जैसे मैं लिख रही हूँ। और अगर आप इंट्रोगेटिव की यानी सवालिया की बात कर रहे हैं तो हैव को हमने कहाँ रखना है मैं आपको बताती हूँ। इसको पहले हम रिमूव कर लेते हैं ताकि मैं दोबारा से कोई सेंटेंस लिखकर आपको अच्छे तरीके से इंट्रोगेटिव बनाना सिखाऊं, क्योंकि है वैसे सेम ही है, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले हैव को, हैव आई बीन। देखें हर चीज वही है जो आपको मैं पास्ट में पढ़ा चुकी हूँ, हैव आई बीन गोइंग, क्योंकि कंटिन्यू है इस वजह से आईएनजी लगाया है, एवरी डे सिंस इस वजह से लगाया कि परफेक्ट कंटिन्यू है, मई 13। तो यहाँ पर जो है मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या मैं हैव आई बीन गोइंग, मैं गई थी एवरी डे रोज जाती हूँ सिंस मई 13, क्या मैं 13 तारीख से रोज जा रही हूँ, जहां भी जाने की बात हो रही है तो वहां पर इस तरह से है। तो परफेक्ट भी हो गया है और कंटिन्यू भी है। तो इसी तरह से हम जो है फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी इसी तरह से होगा, और अगर आप जो है प्रेजेंट की बात करें यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो तकरीबन जो है परफेक्ट कंटिन्यू इसी तरह से ही होता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये भी देखें आप देख सकते हैं 5 मिनट की बनाई, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें क्योंकि छोटी वीडियो है और डिटेल में आपको समझाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।